तो योगी अकेले आदमी है जो बीजेपी के जो कोर वोटर है, मैं फिर वो कह रहा, जो 80 जब 1999 के बाद से बीजेपी इतने लंबे समय तक 18 साल तक सत्ता से महरूम रही, लेकिन वो लाइन में लगकर वोट देता रहा, वो लाइन में लगकर किसी दूसरी पार्टी पर नहीं गया। उस वोटर की आंखों में जब योगी आए, योगी के चुनाव पर चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, लेकिन जब योगी बन गए उसके बाद एंटी शाहीनबाग, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनको, उसके बाद जो लव जिहाद वाला लॉ, तो ये उनकी मांग थी, जो बेसिक वोटर है ये उसकी मांग थी। उस मांग को पूरा करने के बाद वो उनकी आंखों का तारा है, और जो हार्ड, जो बीजेपी का कोर वोटर, मैं उसको हार्ड हिंदुत्व नहीं कहता, मैं उसको उस पार्टी का कोर वोटर मानता हूं, उस कोर वोटर के मेन आदमी, मेन इच्छाओं को प्रकट करने वाले इस समय योगी दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अभी तक अपने आप को सेकुलरिज्म के उस चोले में नहीं ढाला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का महान योगदान बताता है, जो ये बताने लगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजादी की लड़ाई में शामिल थी या उस तरह। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जिस तरह का मतलब उसके ऊपर तुरंत ही कमेंट कर दिया था जी, मैंने देखा, मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि किसी ने इस क्लैरिटी को रखा, क्योंकि यास्मीन खान की, जिन लोगों को आपके, जो हमारे इस समय आपके बहुत सारे, मैं जानता हूं कि आपको बहुत लोग चाहते हैं, सुनते हैं, मैं देखता हूं उसमें, लेकिन उनको वो किताब अगर मिल जाए, भारत पाकिस्तान का विभाजन, मेरे पास वो किताब थी लेकिन मेरी लाइब्रेरी से भी कहीं है, वो यास्मीन खान की आउट ऑफ प्रिंट है, उसमें उसने इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो खाका खींचा है वो किसी, हमने नहीं खींचा, वो पाकिस्तान के एक एक चीज उसने बताई है। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदू हृदय सम्राट ने कहा कि इसने आजादी की लड़ाई में या उसमें बहुत, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ योगी उठते हुए दिख रहे हैं, और उनके पास एक सोलिड बेस है, वो त्रिपुरा तक पहुंचते हैं। तो त्रिपुरा में जब मैं हैरान था कि उनके सभा में ये भीड़ कौन से आ गई, यार ये त्रिपुरा है, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग बहुत सारे इधर जो नॉर्थ के राज्यों से जब पूछते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है, तो वो शायद त्रिपुरा की राजधानी का नाम आपने देखा होगा 100 में से 80 नहीं बता पाते। अलीगढ़ का बताऊं आपको, अलीगढ़ के लिए जिन्ना ने खुद कहा था, हाँ उन्होंने कहा था ये तो हमारा तोपखाना है, हाँ ये हमारा शस्त्रागार, हाँ उन्होंने कहा ये मेरा शस्त्रागार है, लियाकत अली और वो दोनों, लियाकत अली और जिन्ना दोनों हो गए, और उनका शान में जुलूस निकाले गए थे, और उन्हीं लोगों ने, कांग्रेसी जिला अध्यक्ष, तत्कालीन जिला अध्यक्ष ने बाकायदा 1946 में ये कंप्लेन दर्ज कराई थी कि हिंदुओं को इस यूनिवर्सिटी के अंदर से जाने नहीं दिया जाता, उनकी जान पर हमला होता है, ये होता है, ये उस समय के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष की FIR थी। बहुत सारी कहानियां, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि योगी क्यों आंखों में छुप सकते हैं, क्योंकि योगी अबुल कलाम आजाद को अलीगढ़ स्टेशन पर जब वो जा रहे थे दिल्ली, जी इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे थे या बनारस से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में इनको कहीं पता चल गया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, वो छात्र संगठन, उन्होंने जाके उनको वहां पर पकड़ के उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया, वो फेंका था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास है, जिसको हिंदू हृदय सम्राट जो है ये कह बैठे कि साहब की ये आजादी की लड़ाई में शामिल था। मैंने क्या कहा था उस पर ट्वीट पे, आपको याद दिला दूं, मैंने कहा आजादी की लड़ाई में निश्चित रूप से AMU शामिल था, लेकिन भारत की नहीं, पाकिस्तान। मुझे याद है वो मैं मतलब मैं बहुत कम हतप्रभ होता हूँ, मैं उस दिन वाकई था कि आपने उसको सही कॉन्टेक्स्ट में दिया, क्योंकि देखिए हम जब भी इतिहास से मजाक करते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके गले में हम फंदा कसते हैं, इसीलिए आज आप उस फंदे के निशान हर हिंदुस्तानी के गले पर देख रहे होंगे कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को मारने के लिए दोबारा भी वो हिंदू नाम से पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और उस पर आपने एक भी बार किसी का ट्वीट नहीं देखा होगा, मुझे कोई वो नहीं, मैं उसके शब्दों, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी को चोट लगी हो, लेकिन वही अगर आप ये सोचिए, ये अलीगढ़ वाला गांव होता, आपने देखा होगा अलीगढ़ के गांव पर अभी रिएक्शन नहीं आया है, अलीगढ़ का वो गाँव जो कि जहाँ दलितों के 100 घर हैं, उन 100 घरों में बारात चढ़ने पर मार कर उतार दिया, और MIM के यूथ के लीडर ने इसी UP में कहा कि हम लोग नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से वो बारात नहीं निकलने देंगे हिंदुओं की, ये बात यहाँ इस, और अब इसका इसका जवाब देने के लिए लोगों को उम्मीद किस पर है, उनको मुझे तो ये लग रहा है, धीरेंद्र जी एक मिनट आपको टोकूंगा, मुझे तो ये लग रहा है कि जो
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक आइडियोलॉजिकल करप्शन आया है, वो योगी में नहीं आया है। योगी अभी भी पूरी तरह से अपनी विचारधारा के प्रति सचेत है, संकल्पबद्ध है, और मुझे लग रहा है कि ये जो आइडियोलॉजिकली जो थोड़ा बहुत करप्शन में चले गए हैं, उनको इससे कहीं ना कहीं कोई खतरा लग रहा है। बस वही, उसी तरफ मैं जा रहा था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी के कोर वोटर यानी जो वफादार वोटर है, जो उनके साथ उस समय भी खड़ा रहा जब नहीं थे, उस वोटर की निगाह में आज मोदी जो है दिख रहे हैं, लेकिन योगी जो है उनके हार्ट में चले गए। योगी, मैं ये नहीं कहता कि वो जीत के लिए होंगे या उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि सिर्फ वही जिता रहे होंगे, लेकिन वो बीजेपी का बेस है। अगर वो हटता है तो ये पार्टी कहीं की नहीं रहती। जैसे कांग्रेस आज अपने आप को यूपी में ढूंढती है, प्रियंका गांधी के ट्वीट के अलावा, वो मतलब मुझे कहना चाहिए सिर्फ उस ट्विटर के वर्ड के अलावा वो उसको ढूंढ नहीं पाती है। बीजेपी की स्थिति कोर वोटर के गायब होने पर ऐसी हो सकती है। और बीजेपी के जो वेस्टर्न यूपी का जो ये पूरी बेल्ट है, जहां से मैं ताल्लुक भी रखता हूं और जहां के चुनाव हमेशा दिलचस्प होते हैं, उस पूरे हिस्से में अगर आज भी आप किसी बड़े नेता की बात कर रहे हो, और बंगाल चुनाव के बाद ये बहुत तेजी से, मेरा कहना यह है कि बहुत तेजी से, ये बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल पावर में क्षरण दिखा है, जो टॉप दिल्ली की लीडरशिप है आपने उससे लेकर अब तक आपने ये देखा ही नहीं होगा कि एक ट्वीट नहीं है। HM की ये जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है, और आप 355 356 की बात आप उस लिए नहीं करते कि आपको अपने फायदे लेने या आपको अपना वो कॉलर साफ दिखाई देना है, वो इसलिए किया जाता है कि हजारों लोग घर छोड़ के ना भागें, एक बच्ची को भी सिर्फ इसलिए अपनी कीमत ना चुकानी पड़े, अपना बदन ना बेचना पड़े, बदन मतलब उसके इस तरह आप मतलब मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो वाकई मेरी आंखों के लिए बहुत मतलब मेरे लिए दुख की बात इसलिए क्योंकि मैंने वो कवर किया है, और वो तमाम लोग जो मैं जिसको भद्र लोग जो मैं आपने कहा था और मुझे याद है, और वो मैं मुझे लगता है कि आपका आकलन बहुत बहुत ही ज्यादा जमीनी था, मेरी आंखों से ज्यादा आपने वहां बैठ के पढ़ा था जब आपने ये कहा था कि भद्र लोग बदलता नहीं है, वो हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ, वो भद्र लोग जो यहाँ दिल्ली में आके बात करता है आजादी की, जिसको कन्हैया हीरो दिखता है, जिसको तमाम लोग हीरो दिखते हैं, वो पत्रकारिता में बहुत बड़ा गैंग के तौर पर रहता है, उसको इनमें से आज तक एक नहीं दिखा है। आपने देखा होगा वो अखबार उठाकर सुबह बताते हैं कि कोर्ट ने सरकार को ये कह दिया, वैक्सीन पे ये कह दिया, आज मेरे हाथ में 14 अखबार हैं या 16 अखबार हैं, उनमें से किसी की भी आंख इतनी नहीं खुल पाती कि वो ये देख ले बंगाल में क्या हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी बातें तो मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उनको सबूत के तौर पर आपको साबित करना बहुत भारी होगा, लेकिन बंगाल में इस समय उन महिलाओं की स्थिति सोचिए जिनको सिर्फ हिंदू होने के नाते, मुझे वो वीडियो याद है जिसमें वो कह रही है नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, वो रेप हुआ जिसके साथ। तो ऐसे में तमाम लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, जिन्होंने इसलिए उम्मीद के साथ दिया था कि वो तुष्टीकरण की नीति जो इस देश की रगों में घुस गई है, जो हमास को एक हमास को आतंकी संगठन हमास को जो 1987 में इसलिए पैदा होता है कि वो पैलेस्टाइन उसको ज्यूज को खत्म कर देगा, वो ये सिर्फ नहीं कहता कि हम लोग अपनी जमीन लेंगे, वो कहता है कि इनका एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा, उसके लिए जो ट्वीट करते हैं, जो उसके लिए खड़े होते हैं और इसराइल के खिलाफ अपने आप को बयान दिलवाना चाहते हैं, उन सारे जो उनके खिलाफ खड़े हुए समर्थक हैं, बीजेपी के योगी उनके नायक हैं, और ये बात दिल्ली में जरूर महसूस की जा रही होती है। और जब आपकी छवि कम होती है, जब आपको वो आदमी जो आपका कोर वोटर है वो जब आपको करता है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा थोड़ा सा उसमें जाते हैं, असुरक्षा की स्थिति में जाते हैं, क्योंकि अब हमको याद नहीं कि कोई, आपको भी मुझे लगता नहीं याद होगा कि उस बंगाल चुनाव की उस धमकी के बाद, मुझे याद है क्योंकि मैंने तो सारी रैलियां क्या और की, आपसे लगातार बात हुई है, हर रैली में मैं जा रहा था, इस बार मैंने सिर्फ रैलियों से चुनाव समझने की कोशिश की थी, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि हम यहाँ आना बंद कर देंगे, हम देखेंगे दीदी के गुंडे कहाँ हैं, लेकिन जब वो गुंडे सड़कों पर आए तो ये बाहर आ गए, ये लोगों ने उन आदमियों को अकेला छोड़ दिया, और वो बात उनको ज्यादा चुभ रही होगी, अपने आप मालूम होगा कि योगी को लेकर लोग ये कह रहे कि अगर योगी होता यहाँ बंगाल में
तो इनकी हिम्मत ऐसे करने की नहीं होती। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस तरह के कारणों को बहुत ज्यादा हम लोगों क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं कि हम किसी से कहेंगे यही लिखा था कल या परसों में लिखा था कि इनके बारे में क्या कहें कि जो है जो बजाय ममता से लड़ने के योगी जी से लड़ना आरंभ कर दिए। वही वही वो तो है। आप सोचिए कि ये किस तरह से एक आप मैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बताता हूँ, मतलब मैं चूंकि मैं तो सिर्फ पार्टी को ऐसे ही देखता हूँ सारी को, मुझे ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी के उस इलाके के अलावा, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आप किसी से भी 5 आदमियों को फोन करके किसी भी जिले में पूछिए, वो अगर आपको बता सकते हो। और केशव प्रसाद मौर्य जब मौर्य भाई ओबीसी चेहरा है, वो मतलब पीछे से वोट भी लाए हैं, ठीक है वोट आई है उनके साथ, लेकिन वो बीजेपी के वोट के बिना कुछ नहीं है। लेकिन योगी ने 2-3 बार मतलब 2-3 बार से ज्यादा, जब वो मुझे याद है मेरा खुद का उनके साथ एक इंटरेक्शन है, आपको मैं मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं दर्शकों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, जो 2009 में जिस दिन देश की काउंटिंग चल रही थी जनरल इलेक्शन की, उस दिन मैं उनसे मिला था और उनको याद नहीं होगा मैंने उनको ये कहा था, चूंकि उस समय बीजेपी बुरी तरह हार गई थी और मेरे जो सहयोगी थे उनको बीजेपी पार्टी बहुत ही पसंद थी, तो उन्होंने पूछा धीरेन्द्र यूपी में क्या हो सकता है रिवाइव, यूपी में 9 सीटें जहां तक मुझे याद है आई थी शायद, उन्होंने मैंने कहा कि अगर योगी को आगे करें, तो उनको अजीब लगा ये अचानक, क्योंकि कहने लगे यार योगी को तुम कहां से शब्द खींच लाए हो। हमने कहा इसलिए क्योंकि एक तो योगी है और दूसरा ये है कि उसमें वो काशबंधन तोड़ देंगे, दूसरा ये उनकी छवि है कि वो अंदर आजमगढ़ में घुस के घुसने की कोशिश करते हैं, जहां आजमगढ़ में हिंदू ये मान लेता है कि वो उसका है ही नहीं। आप कुछ पॉकेट तो आपने ऐसे मान लिए थे ना, कुछ पॉकेट्स हिंदू लोगों के लिए ऐसे हो गए थे कि वहां वो यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी को छोड़ दीजिए मैं यूपी की, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर का हूँ और मुजफ्फरनगर आपको मालूम है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मुरादाबाद कांठ ये किस तरह के इलाके हैं, मेरठ, यहाँ बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां नहीं जा सकता था, जिसको जिसने ये मान लिया था कि ये नहीं है। और अगर आप बातचीत में करेंगे तो बातचीत में अगर बहुत ये सार्कास्टिक है और दुखद है कि वहां बातचीत में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जा रहे हो क्या कुछ हिस्सों में, तो उन हिस्सों में आज आपने पुलिस को घुसते हुए देखा, आप पुलिस कॉलर पकड़ के उठा के लाती है, कॉलर लेके आती है, तो वो चीजें कभी नहीं हुई थी। ये बातें बहुत ताकतवर बातें हैं, इसीलिए जब दिल्ली में फेल होते हुए देखा गया था तो उस समय भी आप ट्विटर, तमाम लोग जितने हमारे सहयोगी यहाँ इस समय देख रहे हैं हम लोगों को, आपके साइबर दुनिया के दोस्त, वो ये जानते हैं, उन ट्वीट्स में आज भी लिखा हुआ है कि हमको शाह नहीं योगी चाहिए। तो इसकी कीमत तो उनको देनी होगी, और राजनीति में मुझे लगता है कि इस तरह के फैसले होते हैं तो योगी जी को भी इस बात को, इसीलिए आपको एक बात बता दूं जो और चल रही है, योगी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं इस वक्त नहीं लूंगा, मैं इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार इस वक्त नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी भी यही सूचना है कि अरविंद शर्मा को तो उन्होंने लेने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया जी, क्योंकि अरविंद शर्मा का अगले हमारे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई योगदान नहीं होने वाला है, हम अरविंद शर्मा को नहीं। और आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के विशेष दूत को यदि वो लेने से मना कर रहे हैं तो कितनी बड़ी उथल पुथल इस समय चल रही होगी। ये अलग बात है कि ये निश्चित है कि योगी को बदला नहीं जा रहा है, योगी की कुर्सी कोई कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कारण में और उसकी तह में योगी का जो स्वयं का आत्मविश्वास, योगी की स्वयं की जो कर्मठता है, और ये योगी की एक जो दबाव में ना आने का जो उनका ये निश्चय है, जो कि मैं ये कहूँगा कि पहले 3 साल में तो योगी को पीएमओ ने ही चलाया है और उन्होंने उनको पूरा सहयोग किया है, और अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी वहां पे अरविंद शर्मा को डालकर अरविंद शर्मा एक तरह से डिफैक्टो बन जाएं और योगी जो है वो निष्प्रभावी हो जाएं। ये तो मैं किसी भी तरह से एज एन ऑब्जर्वर, पहले तो एज एन फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर प्रेजेंटली, ये तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये तो आत्मघाती कदम है, और निश्चित रूप से कुछ लोगों को संभवतः इनसिक्योरिटी अधिक हो गई है इस कारण से हो रहा है, लेकिन योगी बाबा को
कमजोर करके उत्तर प्रदेश जीतना मुझे तो लगता है कोई मृग मरीचिका जैसा कोई सपना है। देखिए, अगर आप योगी को इस समय बीजेपी से माइनस करते हैं, हम लोग एक एक चीज लेके चलते हैं कि योगी को बीजेपी ठीक मुख्यमंत्री पद से हटा रही है या योगी का चेहरा नहीं आती, तो फिर आपके पास इस चेहरे को देने के लिए या आप किसको लीड करते हैं, जो मैं बता रहा था, जो हम मैं बात से इधर चला गया था कि कौशाम्बी के अलावा आप फोन कीजिए यूपी के जिलों में, तो शायद अगर आप 500 फोन करेंगे उनमें से 2-3 जो हमारी तरह राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं। केशव मौर्य की एक दूसरी छवि भी है जो सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में। वो भी है, वो छवि वो भी है, और इसमें यही माना जाता है कि वो इसी में ज्यादा प्रवीण है, उसी में उन्हीं से उसको ताकत हासिल करते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर जो एक लॉबी की इस समय उनके पीछे जो आपको कवायद दिखती है उसमें बड़ा कारण ये भी है। एक चीज है जरूर, मैं भी कई बार मुझे लगता योगी ने सबके उल्टे पुल्टे धंधे बंद कर दिए। सारे के सारे अपने क्षेत्रों के जमींदार हुआ करते थे विधायक, वो स्थिति जो है वो आज नहीं है। आज विधायक जो है वो अपने को खुला जमींदार नहीं बोल सकता, हालांकि जमींदारी की आदत पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में बहुत समय से, बहुत मुझे लगता है लगभग 50 वर्ष से यूपी में विधायकों की जमींदारी की आदत पड़ी हुई, तो आदत तो धीरे धीरे जाएगी। लेकिन जिस तरह से वे जिलाधिकारी को और एसपी को धमका के और उनसे बदतमीजी करके काम करा लिया करते थे, वो अब संभव नहीं है। मुझे लगता है एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, उसके अलावा धंधे बहुत अच्छे चलते थे, वो धंधे भी नहीं चल पा रहे। तो इससे जनता को तो राहत है, लेकिन विधायकों को और कतिपय अधिकारी वर्ग जिसकी कमाई बंद हो गई और कहीं बहुत सारे मंत्रियों को, उनको समस्या है। हालांकि मंत्री तो फिर भी अपना कमाई वमाई कर लेते हैं, पहले 3 साल तो उनको छेड़ा नहीं, अपने क्षेत्र में तो सब कर रहे थे, अब थोड़ा सा जो है वो टाइट किया है तो अब सब उछलना शुरू हो गए, जबकि अपने दम पे इनमें से 10% भी नहीं जीत सकते। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उससे पहले चुनाव जब्त करा के जमानत जब्त करा के आए थे। अच्छा, जो लगभग 105 से एग्जैक्ट संख्या शायद 105 या कुछ से ज्यादा है, जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जो उस समय बीजेपी की ताकत की वजह से इस पार्टी में आए थे, तो वो लोगों का भी एक बड़ा, क्योंकि वो तो उम्मीद के साथ आए थे वहां उसमें, तो जहां जिस पार्टियों में वो शामिल थे वहां कुछ ना कुछ मिल रहा था अधिकारियों को, और उन सबको बहुत ही नीचे रखा गया था, वो पूछ भी नहीं पाते थे। यहाँ जब आए तो इनको यही उम्मीद थी, और इस तरह का ट्रेंड भी रहा, क्योंकि आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल और गुप्ता जी का कार्यकाल तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता था पीछे कौन खड़ा है, उसको भूल जाते थे अपने, उन्होंने मंत्री से पूछा 3 दिन तक यशवंत सिंह शायद हुआ करते थे और वो उनके पीछे थे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से संबद्ध मंत्री थे, और अचानक 3रे दिन मुड़ के उससे पूछते हैं कि यार मुझे आप कौन है, आप 3 दिन से मेरे पीछे हैं, आपका क्या काम है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा था मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो आपके विभाग का मंत्री हूँ। तो इस तरह के लोगों को यहाँ दिया गया है, मतलब इस तरह के लोगों को यहाँ बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बीजेपी अगर इस समय भी योगी को हटाकर ये सोच, ये खैर मुझे लगता नहीं कि वाइल्ड इमेजिनेशन भी होगी, ये कोशिश की जाती है हमेशा हम लोगों को, हम लोग सोचते हैं कि हार जीत उनके लिए बड़ी चीज होती है, लेकिन जो ये लोग इतने निष्ठुर फैसले क्या करते हैं, ये क्या चाहते हैं कि पार्टी, जैसे बहुत आज एक मैं जब सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था आपसे, आप इस प्रोग्राम में आने से पहले, मैं ये समझ रहा था कि आखिर इतना अंदर कैसे गई ये चीजें, और पार्टी के लोगों से मैं बात कर चुका था, तो उन्होंने एक पार्टी के उनके विरोधी ने बड़े उससे कहा कि देखिए आप शायद आप ज्यादा आंक रहे हैं जनता को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिवराज सिंह चौहान भी बना देते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा जरा इसको समझाइए, तो उन्होंने कहा कि चाहते तो हम पहले ही ले लेते ये मंत्रिमंडल, ये सरकार हम कमलनाथ को 1.5 साल के लिए नहीं देते, हम चाहते तो तभी ले लेते, लेकिन हमने जाने दिया क्योंकि वहां ठीक करना था उनको, अब वो ठीक हो गए, वो सिर्फ शिवराज है वो नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या इस तरह का योगी के साथ हो सकता है? उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं भी हो सकता, कोशिश हो ही सकती है। तो वो जो कोशिश थी उसको, कवायद को किया गया। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिवराज के साथ जो हुआ वो मुझे निश्चित रूप से पता है, अच्छी तरह से पता है, अंदर की बात पता है कि उनको सबक सिखाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। हाँ, पूरी तरह से। और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि यदि जो सर्वोच्च पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह के क्षुद्र राजनीति अपने ही
बड़े नेताओं के साथ करने लगेंगे, तब फिर इसमें और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा? इससे तो अच्छा है कि वो इंदिरा गांधी की तरह व्यवहार करें, वो अच्छा है, कम से कम ये लगे कि साफ ठीक है। यहाँ आप अपने इंदिरा गांधी भी के वाई वी चौहान जैसे नेताओं को या अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को उनको उनको संभाल के रखती थी, इतना था उनमें। ये नहीं था कि साहब के कोई भी नेता, अरे भाई आपके और उनके बीच में 25 साल का अंतर है, आप क्या असुरक्षा महसूस हो रही, बड़ी अजीब बात है।